जी हाँ, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बताएंगे और उसकी पूरी जानकारी देंगे एविडेंस के साथ में, जिसमें अगर आपका कन्फ्यूजन है, शुड आई फाइल अ कोर्ट केस ऑन आईआई बिकॉज दे डिड नॉट इन्फॉर्म मी अबाउट एएमआई को केस रिकॉग्निशन इशू ड्यूरिंग एडमिशन। जैसे आपको पता होगा, द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स एएमआई में एडमिशन देता है सेक्शन ए सेक्शन बी में। जो स्टूडेंट एक जून 2013 से लेकर के और 11 फरवरी 2020 तक एडमिशन लिए हुए हैं, उन पे अभी लिटिगेशन है, कोर्ट केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है एमआई डिग्री पे, क्योंकि वो अभी गवर्नमेंट जॉब के लिए थोड़ा सस्पेंडेड प्रोग्राम है, इसीलिए काफ़ी बच्चों में गुस्सा रहता है कि मुझे जो है कि मुझे क्या मुझे आईआई पर कोर्ट केस करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एमआई मान्यता के बारे में मुझे नहीं बताया एडमिशन के दौरान। ऐसा बच्चों का इस पर गुस्सा रहता है और कन्फ्यूजन रहता है, इसी को लेकर आज हम पूरा वीडियो बनाएंगे, जिसको लेकर आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दो द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स है या 12 बार से ज़्यादा बार और 5 डिफरेंट वे में अपने कोर्ट केस के बारे में बताया हुआ है, बच्चों ने ध्यान नहीं दिए, ये उनकी कमी है। जैसे मैंने भी इस चीज़ को ध्यान नहीं दे पाया था कि कहाँ पर वेबसाइट पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले उन्होंने कोर्ट केस जो स्टेटस से 2013 से लेकर 2016 तक बताए, उसके बाद में 2017 में आईसीटी पब्लिक नोटिस आई। पब्लिक नोटिस का मतलब होता है टू नो ऑल इंडियन, ओके, सभी को इस बात की पूरी जानकारी हो जानी चाहिए, आईआई वेबसाइट दिखाए या न दिखाए, ओके। उसके बाद आईआई प्रेसिडेंट का मैसेज था स्टूडेंट के लिए कि यह आईआई एक बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है, इसका कोर्ट केस चल रहा है एग्जामिनेशन को लेकर के, रिकॉग्निशन को लेकर के, आगे इसका हो सकता है कोर्ट से जल्दी मान्यता मिल जाए। उसके बाद 2018 में ही जो है कि हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि अगर आपको कोई सस्पेंस है तो कोर्ट केस स्टेटस सारी चीज़ें आप टेलीफोनिक पूछ सकते हैं, पब्लिक लेटर नहीं रहेगा, ओके। उसके बाद रिसेंट में क्या हुआ कि अब एग्जामिनेशन फॉर्म में जो सेक्शन या सेक्शन बी का पेपर दे रहे हैं, उनके एग्जाम फॉर्म अगर भरते हैं तो उसमें टर्म एंड कंडीशन ओके करने के लिए आता है, वो टर्म एंड कंडीशन ओके करेंगे तभी आप एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे। इस तरीके से आईआई ने 2013 से लेकर के अभी तक, मतलब 2021 तक माने, तो ये 5 तरीके से कोर्ट केस के बारे में बताती आई है, लेकिन बच्चे खुद से ये बताना चाहते हैं कि हमने ध्यान नहीं दिया। जैसे मैंने भी एडमिशन लिया था तो ध्यान नहीं दिया था, ओके, लेकिन फिर भी आईआई ने अपने वेबसाइट पे अपने बचने के लिए पूरी डिटेल वहाँ पे दे रखी है। अब ये गलती हो सकती है कि उस वेबसाइट को उस किनारे पर न देख पाए न्यूज अनाउंसमेंट पर, ओके। तो चलते हैं आपको पूरा एविडेंस के साथ में दिखाते हैं, ओके। तो जैसे पहले इसकी साइट इस तरीके की रहती थी, अब काफ़ी अपडेट हो गई है। जैसे हम जून का अगर लेते हैं तो पहले इस वेबसाइट थी, इसके किनारे साइड में आएंगे, यहाँ पे क्या होता है अनाउंसमेंट पे ऑप्शन पे आएंगे, उसमें रिकॉग्निशन आप सेक्शन ए सेक्शन बी करके फाइल आती थी, ओके, तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते थे। बट ये चीज़ें मुझे अब बाद में पता चली है। हालांकि किसी भी वेबसाइट के पीछे जाने के लिए क्या होता है कि आप एक साइट है, इंटरनेशनल साइट है, जो साइट एक साल से पुरानी है उसी को ही चेक कर सकते हैं आप, जैसे webrc.org, ओके। आप कोई भी दुनिया भर की कोई भी वेबसाइट चेक कर सकते हैं जिसकी वैलिडिटी 1 साल से ज़्यादा की हो, चूँकि आईआई 2003 के आसपास से वेबसाइट चली आ रही थी, इसलिए आप इसे आराम से चेक कर सकते हैं। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जाएंगे तो जून में इन्होंने इस तरीके से दिखाए हुए थे, ओके। इसी तरीके से आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि जब पहली बार कोर्ट केस हुआ था उस समय इस तरीके की फाइल अनाउंस हुआ था कि एमआई पे कोर्ट केस है, 27 तारीख को फाइल की गई थी, और जो कि दूसरी यानी 31 मई को थी, ओके। 27 मई 2013 की हियरिंग थी, उसके बाद 31 मई को थी, उसके बाद ये नोटिस जारी किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, आपको यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, फिर ये अगस्त सितंबर महीने में जारी किया गया था, क्योंकि जो वेबसाइट है इसमें दिखा देता है कि 2013 के 9वां महीना के 25 तारीख को अपडेट किया गया। इस तरीके से हर बार का अपना अलग अलग अपडेटेड रहता है, ओके। इस तरीके से एमआई ने कोर्ट केस, या 2014 का अगर चेक करें, 2014 में इन्होंने कब किए, मार्च में किए थे, ओके। तो फाइल वही रहती थी, बट क्या था, अपडेट होकर के नेक्स्ट डेट आ जाती, जैसे 9 जून को उसमें हियरिंग डेट थी, ओके। इस तरीके से इन्होंने 2014 में अपडेट किए, 2014 के बाद 2014 में 3-4 बार उन्होंने वेबसाइट पे अपडेट किए, 2015 पर भी इन्होंने अपडेट किए। पूरी डिटेल आप डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से पूरे डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं या पॉज करके देख सकते हैं, आपका टाइम बिल्कुल नहीं खराब करना चाहते हैं। 2016 में इन्होंने भी जो है कि इस चीज़ को दिखाए कि कोर्ट केस चल रहा है, ओके। 2017 में भी इसी तरीके से हुआ, 16 में कई बार भी आया, 17 में आईसीटी की पब्लिक नोटिस आ गए। पब्लिक नोटिस आने का मतलब ये होता है अगर आईआई वेबसाइट अपने वेबसाइट पर ना भी दिखाएं तब भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार का जो आईसीटी है वो पूरा पब्लिक हर न्यूज़पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, टाउन लीडिंग पेपर में दे दिया, ओके। पब्लिक नोटिस का मतलब होता है कि अब वो वेबसाइट पर ना दिखाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ webrc के इंजन पर कि 9 नवंबर को, 31 अक्टूबर को आई थी, 9 नवंबर में अपडेटेड है ये, 9 नवंबर 2017 का अपडेटेड। इस साइट पर अब जाएंगे तो आईआई की वेबसाइट सबसे किनारे साइड में इस तरीके का नोटिफिकेशन आता था 2017 के समय में,
एआईसीटी पब्लिक नोटिस फॉर स्टूडेंट ओके। अगर ये कंप्यूटर बी में है, अगर मोबाइल बी में देखेंगे, मोबाइल बी में आपको इस तरीके से दिखता था, ये आपकी साइट दिखती थी, डेट दिखता था और इसके साथ में आपका एआईसीटी पब्लिक नोटिस इस तरीके से क्लिक होकर दिखती थी। जब आप इस पर क्लिक करते थे तो इस तरीके का बन के आता था, ध्यान समझिए, इस तरीके का बन के आता था कि थ्रू अ पब्लिक नोटिस, थ्रू अ पब्लिक नोटिस एआईसीटी हैज इन्फॉर्म द ऑल कंसर्न अबाउट द स्टेटस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ स्टूडेंट हु इनरोल विद द इंस्टीट्यूशंस सी द पब्लिक नोटिस ओके। जो इनरोल्ड इंस्टीट्यूशंस का उनके लिए पब्लिक नोटिस क्या है, पब्लिक नोटिस पे क्लिक करने पे ये पब्लिक नोटिस दिख दी थी ओके। इस तरह के आईआई ने पूरी तरीके से बच्चों को इन्फॉर्म किया, बच्चे न समझ पाया, हमने भी अगर ध्यान नहीं दिया तो इसमें क्या है कि वो कमी मानी जाएगी ओके। बाकी कोर्ट केस है, वो गेम की तरह है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है, वो तो फ्यूचर की बात है, फ्यूचर के प्रेडिक्शन को कुछ नहीं कहा जा सकता ओके। उस पब्लिक नोटिस के बाद जो आईआई में प्रेसिडेंट होते हैं, जो सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट मानी जाती है, आईआई की प्रेसिडेंट माने जाते हैं ओके, जिन्होंने एक पब्लिक नोटिस जारी किए थे कि आईआई एक बहुत पूर्व प्रतिष्ठित संस्थान है जो 1928 से एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती आ रही है, इसके इस पर कुछ सब रिसर्च चल रहा है, उसको आप जानते हुए आगे एग्जाम दीजिए, इस तरीके से कुछ इसमें क्या शांत रहने के रिक्वेस्ट भी किए गए थे ओके। तो ये उस समय के जो प्रेसिडेंट थे टीएम क्या नाम है, गुना राजा जी थे ठीक है ओके, इंजीनियर। तो इस तरीके से 2018 में भी अपडेट किए, और उसी समय जो है कि एक और सर्विस शुरू की गई कि यहाँ पे वेबसाइट पे आपको एक सर्विस दिखाई गई कि आपको टेलीफोन सर्विस दी जा रही है, आप उसे फ़ोन करके बात कर सकते हैं कि कौन सी इशू है और आगे क्या अपडेट है। तो तब तक एडमिशन कंटिन्यू थे, अब 11 फरवरी 2020 के बाद क्या है एडमिशन क्लोज हो गए हैं, उससे पहले तक के लिए सारी सर्विसें थी, अब भी फ़ोन करके यहाँ पे पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर क्या था आपको पता होगा, यहाँ पे अभी देख सकते हैं 0033404010623, दोनों नंबर हैं आपका इस पर डिस्प्ले पे दिख रहा है, आप रोक के फ़ोन नंबर नोट कर सकते हैं। जब हमने इसे वेरीफाई किए वेबसाइट पे तो जो नंबर है 248 लास्ट में है, या 4 डिवीज़न का एक ही है ओके, आपका टेक्निकल डिवीज़न, फाइनेंस डिवीज़न, एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न का है ओके। 253 नंबर क्या है, ये आपका इक्विवेलेंसी मेंबरशिप का है ओके। तो आप यहाँ पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, अभी भी इस वेबसाइट पे डिस्प्ले हो रही है। इस तरीके से आईआई ने हर तरीके से कोर्ट केस के बारे में बताने की कोशिश की, अब बच्चे समझे या फिर जो भी उनका ठीक। उसके बाद 2018 से ही सर्विस शुरू की गई कि जो सेक्शन ए का एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे और सेक्शन बी का एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे उसी के साथ में टर्म एंड कंडीशन में यस क्लिक करना होगा, तभी आप फिर से यस क्लिक करने पर आपको फाइल आती थी जिसमें बताया जाता था कि एमएचआरडी 2012 के नोटिस के अनुसार 1 जून से कोर्ट केस चल रहा है, उसको लेकर आगे जो भी कोर्ट केस आएगा वो बच्चे मानने के लिए बाध्य होंगे ओके। इस तरीके से पूरी जानकारी अपडेट कर दी गई थी। आगे की जानकारी के लिए आपको हम भी वेबसाइट देखते हैं, आप भी जा सकते हैं इस साइट के कोर्ट केस नंबर पे, यहाँ जाके आप अपडेट ले सकते हैं ओके। तो उम्मीद है पूरी जानकारी हम समझाने में सफल रहे होंगे। मेरा यहाँ पे मुद्दा समझाने का सिर्फ यहाँ पे ये था कि काफ़ी बच्चों का नजर है कि मुझे आईआई पे कोर्ट केस करना चाहिए कि उन्हें एमआई के एडमिशन दौरान नहीं बताए थे, लेकिन मैं बता दूं कि आईआई ने बता दिए थे। अब जरूरी नहीं कि वेबसाइट पे सिर्फ होता है, कोई भी चीज़ अगर वेबसाइट अपडेट होती है तो उसकी हार्ड कॉपी संस्था अपने पास स्टोर करके रखती है, तो अगर आप कोर्ट केस करते हैं तो वहाँ से पता चल सकता है। हालांकि अलग अलग मुद्दे अलग अलग तरीके से कोर्ट केस किया जा सकता है, वो बच्चों का पैसा है, बच्चे अपने हिसाब से जहाँ लगाया कोर्ट केस करने जो भी उनकी इंटरेस्ट है। बट यहाँ पे हम ये दिखाना चाह रहे थे कि आईआई जो है कि आईआई ऑलरेडी पहले से ही बच्चों को इन्फॉर्म करती चली आई है कि एमआई रिकॉग्निशन लेकर क्या स्टेटस चल रहा है। आपको दिखा दिए 2013 से लेकर के पूरी डिटेल। अगर आपको कोई सस्पेंस हो तो इस वीडियो को आराम से स्पीड स्लो करके अच्छे से आप सुन सकते हैं, और जहाँ पे जैसा भी हो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरे लिंक का हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जहाँ तक पॉसिबल होगा, क्योंकि मैक्सिमम 5000 वर्ड ही डिस्क्रिप्शन में आ जा पाते हैं, तो उतना आपको जरूर शेयर कर देंगे जिससे आप भी सेटिस्फाई हो जाइए। और अपनी चीज़ें देख लीजिए, आप किस साल एडमिशन लिए थे, उस समय को वहाँ का नोटिफिकेशन कैसा था, वो आप चेक किए थे या नहीं चेक किए थे, अब चेक कर लीजिए कैसा उसका नोटिस उस समय क्या दिख रहा था। तो उम्मीद है जानकारी आपको सारी मिल गई होगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम जरूर बताएंगे उस चीज़ का सलूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।